नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। नेपाली संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी, भारत को किया अनदेखा। भारत का व्यापारी चीन को सबक सिखाने की तैयारी में, 500 से भी ज्यादा मेड इन चाइना की लिस्ट जारी। चंडीगढ़ में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, एक युवती से छीना मोबाइल फोन तो आंध्र बैंक के एटीएम से लूटे लाखों। सिटी ब्यूटीफुल में सेक्टर 43 का 43 वर्षीय व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव, शहर में हुई संख्या 371। मौलाना के कोविड 19 अस्पताल के बाथरूम में कोरोना संक्रमित मरीज ने खुद को लगाई फांसी। राज्यों की पटरी जोड़ने वाले अंबाला जंक्शन पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हुआ शुरू। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान नशा छोड़ने की तरफ बढ़ा युवा। भारत चीन तनाव के बीच पंजाब सीमा पर बीएसएफ ने लगाई चौकसी। हिमाचल के सोलन में कोरोना के चलते इस बार नहीं भरेगा राजस्थानीय मां सुलनी मेला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित। अब खबरें विस्तार से। भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नेपाल की संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर गुरुवार को पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस दौरान नेशनल असेंबली में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के नेता दीनानाथ शर्मा ने कहा कि भारत ने लिपुलेक, कालापानी और लिम्पिया धुरा पर अवैध रूप से कब्जा किया है और उसे नेपाली जमीन को लौटा देना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 500 से भी ज्यादा मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की है। CAIT की अपील है कि इन उत्पादों का हालिया तनाव के बाद बहिष्कार किया जाए। इस लिस्ट में किचन आइटम्स, फैब्रिक, टेक्सटाइल, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, फुटवेयर, हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स शामिल हैं। चंडीगढ़ शहर में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। सेक्टर 45 की रहने वाली युवती से बदमाश मोबाइल फोन छीन भाग गए। वहीं किशनगढ़ स्थित आंध्रा बैंक के ATM से 7,64,500 रुपये उड़ा लिए गए। आंध्रा बैंक के प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशनल कोड केवल 2 व्यक्ति ही जानते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता है। चंडीगढ़ के पौश इलाके 43 सेक्टर में एक 43 साल का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति बीमार होने के चलते GMSH 16 में एडमिट हुआ था। जब इसका कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई तो यह वायरस से पीड़ित पाया गया। इसी के साथ अब शहर में संक्रमितों की संख्या 371 हो गई है। हरियाणा में अंबाला जिले के मुलाना में बने कोविड 19 अस्पताल के बाथरूम में कोरोना संक्रमित मरीज ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। घटना का खुलासा सुबह करीब 7:45 पर लगा। मरने वाला मरीज यमुनानगर का था। सुरेंद्र सिंह है, जगाधरी के रहने वाले हैं। उनकी उम्र जो बताई जा रही है 55 ईयर्स है, जो कि अभी 15 तारीख को यहाँ CH यमुनानगर से शिफ्ट हुए थे। कोरोना पॉजिटिव थे तो इसलिए यहाँ पे आए हुए थे और आज इन्होंने इसके चलते सुबह सुसाइड कमिट कर लिया है। सर कारण पता लगा है? कारण तो यही हो सकता है, इनको जैसे कईयों का आदमी जो है कोरोना फोबिया हो जाता है, वो अपने आप को इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ा सा में आ जाते हैं, दहशत से में आ जाते हैं। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल के सबसे बड़े जंक्शन पर लगे पुराने CCTV कैमरों के चलते हर बार जंक्शन की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। इस दौरान रेलवे के उच्च अधिकारी भी कई बार स्टेशन के दौरे पर आए और वहीं कई रेल प्रबंधक भी बदल दिए गए, किंतु अत्याधुनिक कैमरों की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। लेकिन अब रेलवे यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। छावनी जंक्शन पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। CCTV कैमरे हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, पुराने थे काफ़ी, और अभी टोटल 92 कैमरास का प्लान है हमारा पूरे स्टेशन एरिया को कवर करने का। तो काम प्रोग्रेस पर है, लगना शुरू हो गए हैं, उम्मीद है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान कोरोना से जंग में किए गए प्रयासों पर पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने अर्थ प्रकाश से विशेष बातचीत की। बातचीत में मंत्री सिद्धू ने बतलाते हुए कहा कि
इन 3-4 महीनों में पंजाब के युवाओं ने शराब के ठेकों की तरफ से रुख बदल नशा मुक्ति की तरफ रुख किया है और करीब 1.5 लाख युवाओं ने लॉकडाउन में नशा मुक्ति केंद्रों में पंजीकरण करवाया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए जल्द ही 7500 भर्तियां की जाएंगी। डॉक्टर हो गए, पैरा मेडिकल स्टाफ हो गया, स्टाफ नर्स हो गए, जो 1,83,000 बंदा सैनिटरी वर्कर भी भर्ती कर रहे हैं, 3,000 गार्ड भी भर्ती कर रहे हैं, 3,000। भारत चीन तनाव के बीच पंजाब सीमा पर बीएसएफ चौकस, पाक की हर गतिविधि पर पैनी नजर। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर पैदा हुए तनाव के बाद सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के साथ सटी पंजाब सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा द्वारा आईएसआई मुख्यालय में भारत के साथ सटी सीमाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद बीएसएफ सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियों पर नजर लगा रखी है। कोरोना महामारी के चलते हर साल भरने वाला मां सूलनी मेला नहीं भरेगा। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने सभी से आग्रह किया कि वह सामाजिक दूरी के नियम सहित अन्य नियमों का अनुशासन से पालन करें ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। पत्रकार वार्ता में बात करते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आदेश दिए कि ना तो इस बार सूलनी मेले का आयोजन होगा व ना ही परंपरा के अनुरूप माता की डोली निकाली जाएगी। 1921 को जो सूलनी माता का जो मेला होता था, जो यात्राएं निकलती थी, उस दौरान हमने व्यवस्था लोगों को कहा कि हम प्रशासन और सारे अधिकारी सारे लोग घरों में बैठ के उस समय माँ सूलनी की स्तुति घरों से करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार रिजल्ट 76.07%, इस बार रिजल्ट 76.7% रहा। शिमला जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर भुशर की श्रुति कश्यप ने 98% अंकों के साथ कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में कुल्लू के प्रशांत कुमार ने 99% के साथ टॉप किया है, जबकि 97% अंकों के साथ मेघा गुप्ता ने वाणिज्य संकाय में टॉप किया है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।